उत्तराखंड में जो भर्ती धांधलियाँ हुई हैं उनको लेकर लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो उसी के चलते जो है आज 30वीं जो गिरफ्तारी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। UK SSSC पेपर लीक मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड ने एक आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बुधवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के नकल माफिया का को गुर्गा गोवा से गिरफ्तार किया। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में STF ने माफिया और सौदागर के बीच की एक कड़ी को और गिरा दिया। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ और साक्ष्यों पर STF की एक टीम को संदिग्ध की जानकारी के लिए गोवा भेजा गया था, जहां पर अभियुक्त फिरोज हैदर को नॉर्थ गोवा में पणजी से गिरफ्तार करने में टीम को सफलता मिली है। फिरोज हैदर निवासी श्याम बिहार कॉलोनी सीतापुर रोड लखनऊ के माफिया गिरोह का सदस्य था, जो परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर अन्य आरोपी के साथ हल्द्वानी आया था और शशिकांत को उपलब्ध कराया था। गहन पूछताछ और साक्ष्यों से अभियुक्त का धामपुर जाना और वहां के नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में होने की भी पुष्टि हुई है। वही पेपर लीक और नकल माफियों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार अब सख्त नकलरोधी कानून बनाने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भेजे गए नकलरोधी कानून के प्रस्ताव का कार्मिक विभाग ने अध्ययन शुरू कर दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव का हो रहा है अध्ययन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक्ट के हिसाब से अभी नकल रोकने का खास प्रावधान नहीं है। आज भी आयोग के एक्ट के तहत पर्ची के साथ नकलची पकड़े जाने पर अनफेयर मीन रूल के प्रावधान हैं। नकलची अब काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर हैक कर नकल कराने से लेकर ब्लूटूथ डिवाइस से नकल के मामले भी सामने आ चुके हैं। वहीं इन दिनों स्नातक स्तरीय पेपर लीक का प्रकरण भी खूब चर्चाओं में है। ऐसे नकलचियों और नकल माफियों पर नकेल कसने के लिए आयोग के पूर्व अध्यक्ष S. Raju और सचिव संतोष बड़ोनी ने नकलरोधी कानून बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव में पेपर लीक करने वालों को 10 साल की जेल से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने की सिफारिश की गई है। उनकी संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले उम्मीदवार पर भी 3 से 5 साल का प्रतिबंध लगाने के साथ ही 5 साल तक सजा की सिफारिश भी की गई है। शासन ने इस प्रस्ताव का अध्ययन शुरू कर दिया है। ऐसे बनेगा कानून। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव पर सरकार चाहेगी तो पूरे भर्ती की सभी संस्थाओं के लिए एक कानून बना सकती है, अगर चाहेगी तो आयोग के लिए भी अलग कानून बना सकती है। इस पर कैबिनेट की मोहर लगने के बाद कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा में रखा जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नकलरोधी प्रस्ताव का सरकार परीक्षण करेगी, उसके बाद निर्णय लेगी। तो जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनके लिए जो है नकलरोधी कानून तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है उन्हें जुर्माने के साथ साथ सजा भी जो है दी जाएगी। तो नकलरोधी कानून जो है कब तक तैयार होगा वो जो है डिपेंड करता है कि किस हिसाब से जो है प्रस्ताव भेजे गए हैं उनको अध्ययन करने के बाद। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जल्द मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।